नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद दानिश आज मीडिया ग्रुप चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर खड़े हैं केंद्रीय पुलिस चिकित्सालय मुरादाबाद। यहां पर जो है 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और आप देख सकते हैं आज पहला ही दिन है और यहां पर जो है काफ़ी लोग आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो अभी हम आपको अंदर लेकर चलते हैं कि अंदर का हाल क्या है। तो अभी जो हम हैं मिस्टर हरीश चौहान जी, जो यहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो उसका जो काम है वो कैसा चल रहा है। हमारे यहाँ आज 18 प्लस जी का वैक्सीनेशन सेशन स्टार्ट हुआ है और हमारे यहाँ आज 200 लोगों का शेड्यूल्ड है। ओके। तो एज पर शेड्यूल जो भी लोग हमारे चार स्लॉट हैं 9 to 11, 11 to 1, 1 to 3, 3 to 5, एज पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग लोग आ रहे हैं और हम उनको वेरीफाई करा के वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और 30 मिनट के लिए हम ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं सब लोगों को। कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमारी AFI टीम पूरी है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट देख रही है उसको। चलिए, और इसके बाद हमारी यहाँ पर मैम है BSW लीला सुबड़ा जी। चलिए इन मैम से भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हम लोग जो है पूरे जब से ये चला है कोविड का टीकाकरण वैक्सीनेशन, लगातार इस वैक्सीनेशन में सभी सहयोग दे रहे हैं और लगातार हम काम कर रहे हैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। कभी कभी हमें 7 भी बज जाता है, जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती या कभी नेट नहीं चलता तो उसके चक्कर में वेरीफाई नहीं हो पाता तो लेट हो जाता है। लेकिन जो है हम लगातार इस काम के लिए एकदम सब लोग जागरूक हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए लोगों को मतलब ये कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी नहीं हो तो उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि इससे कोई बहुत सारे लोग सवाल करते हैं इससे क्या इफ़ेक्ट होगा क्या होगा, वो हम पूरी तरह से समझा के उनको सर्टिफाई करते हैं और सभी लोग आते हैं और लगा के जाते हैं। सभी खुश हैं, कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग आए, इसमें कोई घबराए नहीं और ये वैक्सीनेशन करें ताकि अधिक से अधिक हमारे ज़िले में ये वैक्सीनेशन हो और इस बीमारी से जो है सब लोग जो है निजात पाए। तो देखिए, जैसा कि मैम और सर ने बताया है कि यहाँ पर लोग जो हैं उनको ये जागरूक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और वैक्सीन लगवाएँ। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं उन्होंने जो अभी वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे का जो है वो टाइम दिया है, जो नर्सेज हैं उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया है कि आप आधे घंटे यहाँ पर बैठिए, आप कैसा फील करते हैं और उसी के बाद ये यहाँ से जाने को दे रहे हैं। तो चलिए इन लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शिखर जी। आपको वैक्सीनेशन जो है वो आपकी डोज लग गई है? हाँ जी। तो आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, आधे घंटे अभी बैठना है। अच्छा अच्छा, तो आप और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं, यहाँ पर रोज़ वैक्सीन लग रही है
और जितने ज़्यादा वैक्सीन लगेगी उतना ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन कम होगा, सीवियर इन्फेक्शन, तो लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं, बस यही करना है। ओके, तो आपकी जो वैक्सीनेशन है वो अभी आपके लग चुकी है? हाँ जी। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही अभी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो किस तरह का फील हो रहा है कि कुछ अजीब सा, या जैसे वैक्सीन लगी है कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है, नॉर्मल जैसा आप फील करते हैं वैसे ही फील कर रहे हैं? नॉर्मल जैसे फील करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि लोग अधिक से अधिक आके वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी से हमें छुटकारा मिल सकेगा। और अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो अप्रॉक्स 90% सेफ हो जाते हैं कोविड से। ये नहीं कि आप उसके बाद कोई भी रूल्स फॉलो ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू वियर दी मास्क, आप अपने मतलब हाथ धोएं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग गई तो उसके बाद कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि दो गज दूरी मास्क है जरूरी, दवाई भी और कड़ाई भी, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। तो मैम ने सही बताया कि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैक्सीन लगवाएं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, काफ़ी अधिक संख्या में लोग जो हैं वो आए हुए हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। कैमरामैन हनी अग्रवाल के साथ मैं मोहम्मद दानिश, आज मीडिया ग्रुप चैनल से।